नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज अपने इस खास कार्यक्रम मुद्दा अम्बाला के में हम पहुंचे हैं पंजोखरा साहिब, और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, ना सिर्फ अम्बाला बल्कि प्रदेश देश भर से लोग यहां पर माथा टेकने के लिए पहुँचते हैं। और यहाँ बिल्कुल साथ लगते हुए इलाके में लोग बीते 2 से 3 महीनों से बता रहे हैं कि पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लोगों ने हमसे संपर्क किया और इन्होंने बताया कि पिछले काफ़ी लंबे समय से इन्हें पानी की समस्या आ रही है। सरपंच से इन्होंने बातचीत की, इन्होंने बताया है कि सरपंच से बातचीत करने के बाद भी कोई इनका हल नहीं निकला है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरजिंदर है जी। हरजिंदर जी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है जी, काफ़ी टाइमों से 1-2 महीने से लगातार पानी की समस्या आ रही है, और सरपंच को भी लगातार हमने बार बार कहा है, बंदे जा के गए हैं, वो मिलने को तैयार नहीं है, और जनानिये जो बच्चे परेशान हैं, पानी थोड़ा थोड़ा करके गुरुद्वारा से भर रहे हैं और अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इतनी जनानी है हमारे साथ, सबकी समस्या सुने आप। आपका क्या नाम है जी? मेरा रिंकू है जी। रिंकू जी, क्या समस्या है? पानी आ नहीं रहा, गंदा आ रहा, दिक्कत क्या है? सर गंदा भी आता है तो अब तो साफ ही आ रहा है वैसे, पर फिर भी पानी की बहुत दिक्कत है जी। 8 दिन हो गए जी गुरुद्वारे से पानी लेकर आ रहे हैं जी। तो सरपंच के पास एक दिन हम गए थे जी, तो रात को बाहर नहीं आया, घर नहीं था, ये हमारे को पता नहीं, देखो हम साहब कहाँ, ठीक है जी। ना उसने आगे पूछा हम क्या दिक्कत है, भी किसी लिए इकट्ठे होकर मेरे पास आए थे, तो यहाँ कोई नहीं पूछ रहा जी। सीधी कितने परिवार हैं जिनको दिक्कत आ रही है सर? कम से कम हो गए जी 100 घर हैं जी। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। माता जी क्या नाम है जी आपका? कमल जी। किस तरह की दिक्कत आ रही? कब से सारा दिन आप घर होते हो, किसी भी टाइम पानी नहीं आता? बस कल 2-3 दिन अंदा बज रही, कभी टाइम आवा पानी। हाँ दिक्कत इतनी है, बहुत ज़्यादा आई। इसकी शिकायत करी जी कहीं? हाँ जी, शिकायत करी है इसकी कहीं आपने? कोई सुनाई करा जी, जी सरपंच करा पानी आने देना है क्या चक्कर। हाँ कुछ और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोमा है जी। रोमा जी, क्या परेशानी है? आप लोगों ने इसकी शिकायत की है कहीं पर अभी तक? बस जी हम तो कई बार वहाँ भी गए जहाँ पानी के रास्ते जहाँ वहाँ थे, वो भी नहीं कहते जी हमारे बस का कुछ नहीं, भी सरपंच नु कहो, ठीक है फिर हम सरपंच के पास जाओ, सरपंच भी कोई सुनाई नहीं करता जी। ये थोड़े थोड़े पानी में बच्चा नड़ा हुआ या अपना हुआ जी, अगर का खर्चा करा जी, ये वहाँ थे महाराज के दरगाह तो इतना पानी ले आवा जी, बताओ उसमें क्या करा है, कपड़े भी धोने आ जी, मैं सानू पानी पिलाना सारा काम आ जी, बताओ जी हम क्या करा, पानी की बहुत समस्या आ जी, मन तो यहाँ से बोर कटवाना जी। कितने दिन से समस्या आ रही है? पानी की समस्या 3-4 महीने तो यही लगातार आ रही है जी, बीच में 3 बार नहीं कहते कहा मोटर खराब हो रही, मोटर पावांगे ना भी तेज, फिर बिन्नी पिछा फिर जाए फिर कहते मोटर खराब होगी जी, बताओ जी हमारे वास्ते जी मोटर खराब हो जाए जी वहाँ से, ये कई दिन हो गई फिर हम पानी तो भी नहीं तड़प रहे जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है आपके? सर डिमांड है कि बोर लगना चाहिए हमारे माजरे में, उस साइड 2 बोर हैं सर, एक भी उसकी ना मोटर खराब हुआ जी, ना कुछ हुआ, ना उधर से पानी मारे नहीं छूटा जा जी। मोटर खराब हो जाती है जी, हर 10वें दिन मोटर खराब हो जाती है, और जब बात करते हैं सरपंच बात करने को तैयार नहीं है, अपने घर से बाहर नहीं निकलता सरपंच। वैसे अलग अलग मूवी बना के वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल देगा, लेकिन जो सच्ची सुनवाई है, सच्ची प्रॉब्लम है गांव की, वो सुनने को तैयार नहीं है। सरपंच के अलावा वाटर सप्लाई वगैरह किसी विभाग में आपने संपर्क किया? अभी हम इस बारे में किसी के पास गए नहीं है, हमारी समस्या अगर ये ऐसे रहेगी सुनी नहीं जाएगी तो हम सभी मंत्रियों पे भी जाएंगे और अधिकारियों पे भी जाएंगे। तो साफ तौर पर आप लोगों ने सुना कि लगातार 2 महीने से इन लोगों को जो ये समस्या है वो सामने इनके आ रही है, और ये लोग काफ़ी सरपंच को लेकर भी नाराज़ हैं। इन्होंने बताया कि सरपंच के पास 1-2 बार ये शिकायत लेकर गए हैं, लेकिन सरपंच इनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर हम प्रयास करेंगे कि सरपंच से भी बातचीत कर ली जाए, लेकिन समस्या काफ़ी गंभीर है, क्योंकि इन लोगों का कहना है इनके इलाके में लगभग 100 परिवार रहते हैं और वहाँ पर पिछले 2 महीने से पानी की सप्लाई नहीं हो रही, अगर पानी आता है तो वो गंदा आता है और मजबूरन इन्हें गुरुद्वारा साहिब से पानी ले ढोकर लाना पड़ रहा है। ऐसे में इन्होंने घरों में जो पशु हैं वो भी रखे हुए हैं, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, तो दिन भर इनका जो काम है वो सिर्फ पानी ढोने का ही रह जाता है, जो काफ़ी मुश्किल है। गर्मियां आ गई हैं, तापमान काफ़ी बढ़ रहा है, ऐसे में पानी के बिना जो गुजारा है वो करना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब तो कोशिश करेंगे सरपंच से भी संपर्क करने की और जानेंगे कि क्या कारण है कि उनके गाँव के लोगों को उनके प्रति जो है वो संतुष्ट नहीं है, और क्यों लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच उनकी सुनवाई नहीं करते।
तो अभी आपने सुना कि किस तरह से ग्रामीण जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कहा है कि पानी की समस्या आ रही है। अब सरपंच जो हैं पंजोखरा साहिब के वो हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे जान लेते हैं। सर, कुछ लोगों से हमने मुलाकात की है अभी, वो कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने से पानी की काफ़ी उन्हें दिक्कत आ रही है, गुरुद्वारा साहिब से उन्हें पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। क्या है वाकई ऐसी दिक्कत आ रही है? जी, हमारा एक हमारे गाँव में पीने के पानी के 3 ट्यूबवेल हैं और उनमें से एक इसी साइड का जो ट्यूबवेल है वो काफ़ी कम पानी दे रहा है और इसके बारे में हमने एक रेजोल्यूशन पास करके और माननीय मंत्री महोदय की सेवा में भेजा है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि एक नया ट्यूबवेल लगेगा, लेकिन इन कामों में समय लगता है और एक्शन जो हैं पब्लिक हेल्थ के, उनके पास ये रेजोल्यूशन और एस्टिमेट पहुंच चुका है और बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम पानी के टैंकरों से इन लोगों को पानी की सप्लाई नियमित रूप से दे रहे हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ। सरपंच साहब, इन लोगों का आरोप है कि ये आपसे मिलने भी गए थे, आप मिले नहीं हैं, ना ही आपने बाद में पूछा कि लोग इकट्ठा होकर आए थे। जी, ये मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन जहाँ तक मिलने वाली बात है तो आप लोगों को शायद याद हो, कुछ समय पहले इनके घरों के पास से ये लोग कूड़ा गिराते थे एक सड़क के पास में, तो वो कूड़े के ढेर हम लोगों ने उठवाए थे और उसमें ये लोग तंग कर रहे थे, तो पुलिस प्रशासन की और दफ्तर बीडीओ दफ्तर के माध्यम से पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाकर वो कूड़े के ढेर हटवाए गए थे। तो ये लोग उस जगह पर नाजायज कब्जा करना चाहते थे, तो उस संबंध में ये लोग इकट्ठा होकर इन्होंने एक टेंडेंसी बना ली थी कि 20-50 लोग रात को इकट्ठा होकर 9:30-10 बजे मेरे घर आते थे। तो उस समय, जी हाँ, ये सही है कि उस समय मैं भी मिलना नहीं चाहूँगा किसी से, मेरा भी अपना परिवार है, तो मैंने इनको दिन के समय कहा था कि दिन के समय आप मिलें तो जहाँ मुझे बुलाएंगे आपके ही बीच में मैं आ जाऊँगा, बजाय इसके कि 50 लोग मेरे घर में इकट्ठा होकर आएँ रात को और कोई बदतमीज़ी करें। तो उसके लिए हाँ, मैंने इनको एक बार वापस किया था। सरपंच साहब, गर्मी का मौसम है, अब क्या उम्मीद जताई जाए, कब तक इनकी ये जो समस्या है वो दूर हो जाएगी? जल्दी से जल्दी ये दूर होने की संभावना है, विद इन ए वीक कह रहे हैं, लेकिन हम इनको पानी की कमी से नहीं जूझने देंगे और टैंकरों से पानी की सप्लाई हम नियमित कर रहे हैं। तो ये थे पंजोखरा साहिब के सरपंच, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि ट्यूबवेल की मोटर काफ़ी कम पानी वहाँ पर सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से इन लोगों को ये परेशानी है जो उसका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही समस्या का जो समाधान है वो कर लिया जाएगा। हमने बड़ी ही बेबाकी से जो लोगों ने आरोप लगाए थे सरपंच साहब से, उनको भी लेकर बातचीत की, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर बताया कि क्या कारण है जो लोग इन पर ये आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल, हम उम्मीद जताएंगे कि बेहद जल्द यह समस्या जो है इसका समाधान हो जाए। तब तक आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।